नमस्कार, जनसारथी न्यूज में आपका स्वागत है। सियासी अंचल में बात करेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 अक्टूबर को ग्वालियर में होने वाले दौरे को लेकर कहा कि हमारा सौभाग्य है जो सिंधिया स्कूल की 119वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कीमती समय निकाल कर यहां आ रहे हैं। टिकट वितरण सूची के बाद कांग्रेस नेताओं के बीच मचे घमासान पर उन्होंने कहा कि ये उनका काम है कि हर चीज को पकड़कर फाड़ें, लेकिन मेरी सोच हमेशा सकारात्मक रही है। ग्वालियर दक्षिण से चुनाव लड़ने की बात पर उन्होंने कहा कि भाजपा की सोच यही है कि जो संगठन तय करता है हर कार्यकर्ता को उसके मार्गदर्शन में काम करना होता है। हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी का आगमन हमारे ग्वालियर की केवल नहीं लेकिन प्रदेश की केवल नहीं लेकिन देश की अग्रिम और प्राथमिक शिक्षा की संस्था सिंधिया स्कूल का 125वीं वर्षगांठ पर उनका आगमन हो रहा है। हम लोग सब उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने अपने वास्तव इतनी व्यस्तता में अपना समय निकालकर हमारे संस्था में पधार रहे हैं। और केवल संस्था नहीं, केवल संस्था के हमारे सभी गणमान्य सदस्य केवल नहीं लेकिन पूर्ण ग्वालियर उत्साहित है उनके स्वागत के लिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण समय सिंधिया स्कूल के इतिहास में भी है। 1897 में जो स्थापित शिक्षा की संस्था माधव महाराज प्रथम के द्वारा ग्वालियर स्टेट के लिए केवल नहीं लेकिन देश के लिए की गई थी, आज वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में भारत की विकास और प्रगति में स्थापित हो चुका है। आज मेरा अलग अलग विधानसभाओं का हमारे पोलिंग के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का दौरा की शुरुआत हो रही है। पिछले प्रवास में मैंने बितरवार और चंदेरी का दौरा किया था और अब निरंतर अगले 8-10 दिन में मेरा दौरा है और मुझे पूरा विश्वास है वो अब उनका काम है। मुझे मालूम, मेरी सोच कांग्रेसियों की नहीं है जो हर चीज को पकड़ पकड़ के फाड़े। मेरी यही सोच है कि हमें अपने काम में अपना ध्यान देना होगा। उनको अपना काम देखना है, हमको अपना काम देखना है। मेरी सोच सदैव सकारात्मक रही है। मेरी सोच सदैव जनता के विकास और प्रगति और संगठन को मजबूती प्रदान करने की रही है। अपने इर्द गिर्द नकारात्मक तत्व कांग्रेस पार्टी के सदैव रहे, लेकिन जो समय हमें दिया गया है इस पृथ्वी पर उस समय का सदुपयोग करके लोगों की आशा और आकांक्षाओं पर खड़े उतरना, मेरे पूर्वजों की तरह, मेरी आजी अम्मा की तरह, मेरे पूज्य पिताजी की तरह, प्रधानमंत्री जी के पदचिन्हों और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल के हमें लोगों की सेवा, लोगों का विकास और लोगों की प्रगति, और यही आपने भी देखा है पिछले 20 वर्षों में, यही मेरी कोशिश रही है। अब आप समझो कि अगर, और ये मैं कोई टीका टिप्पणी के रूप में नहीं, लेकिन अगर दो लोगों के बीच में ही, दिग्गज नेताओं के बीच में इस स्थिति पर चर्चा हो रही है, तो अगर, और मुझे विश्वास है प्रदेश की जनता ये होने नहीं देगी, लेकिन अगर उनके हाथ में शासन आएगी तो जनता का क्या हाल होगा। अगर उन दोनों के बीच में यही हाल है तो जनता का क्या हाल होने वाला है। और जहां तक वचनों की बात है, वो तो एक इतनी गहरी खाई है कांग्रेस की और इन दोनों की कि वचन की लिस्ट तो बड़ी लंबी होती है पर पूरी एक भी नहीं होती। मैनिफेस्टो बनाना, उसमें अनेक तरीके के मिश्रण, अनेक तरीके के लुभानवी मुद्दों को डालना, ये बहुत आसान है, लेकिन 15 महीनों में जो इन्होंने मध्य प्रदेश का पूरी तरह से चौपट स्थिति कर दी थी, मैं तो मानता हूं कि प्रदेश की जनता इन दोनों को कभी माफ नहीं करेगी और कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं सामान्य कार्यकर्ता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की फौज है। जो भारतीय जनता पार्टी की संगठन तय करती है वो हर कार्यकर्ता को उसके आधार पर कार्य करना है। और आप देख ही रहे कि पिछले 3-4 महीनों से चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, चाहे नरेंद्र सिंह जी हों, चाहे शेजवलकर साहब हों, चाहे प्रदेश का एक एक नेता स्ट्रोक कार्यकर्ता पूर्ण लगन से लगा हुआ है
और उसी तारतम्य में हमें उसी रास्ते पे चलकर काम करना है। सियासी हलचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।